दोस्तों, हम सभी की जिंदगियां इस लॉकडाउन ने मुश्किल बना दी थी और दुनिया लगभग रुक ही गई होती अगर जूम जैसी कंपनियां वक्त रहते ना बनाई गई होती। आज इस एक ऐप ने हमारी शिक्षा से लेकर बिजनेस तक को आसान बना दिया है। इसी की वजह से बिना बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे में डाले स्कूल्स ने उनकी पढ़ाई लिखाई जारी रखी, लोगों ने अपने काम को जारी रखा और पूरी दुनिया इस संकट की स्थिति में भी जूम पार्टीज और जूम वेडिंग्स करके खुद को खुश रख पाई। पर क्या आपको मालूम है कि इस ऐप की शुरुआत ही एक लव स्टोरी से हुई थी? जी हाँ, तो क्या है वो पूरी कहानी जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक कहीं मत जाइएगा। कहानी की शुरुआत जूम के क्रिएटर एरिक युआन के कॉलेज के दिनों से होती है, जब उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड शेरी से मिलने के लिए 10 घंटे की लंबी ट्रेन यात्रा करनी पड़ती थी। इस सफर में कई बार डिलेज होते थे, ट्रेन में भीड़ रहती थी, बैठने की जगह नहीं मिलती थी। साथ ही एरिक को शेरी के पास पहुंचने के लिए कई बार ट्रेन बदलनी भी पड़ती थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से एरिक और शेरी साल में सिर्फ 2 ही बार मिल पाते थे। इसके बाद अपनी मास्टर्स की डिग्री के समय भी एरिक का यही हाल रहा। इसके बाद एरिक जापान चले गए और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने लगे। यहाँ पर उन्होंने एक बार बिल गेट्स को एक सेमिनार में सुना और इंटरनेट के बारे में कही गई बिल गेट्स की बातों ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने US जाकर इंटरनेट पर ही काम करने का फैसला ले लिया। अमेरिका का रास्ता आसान नहीं था। एरिक का वीजा 9 बार रिजेक्ट किया गया था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और 10वीं बार में एरिक को अमेरिका ने आखिर बुला ही लिया। अब एरिक वेबएक्स में काम करने लगे थे। वेबएक्स उस वक्त एक स्टार्टअप कंपनी थी जो ऐसे सॉफ्टवेयर बना रही थी जिससे वर्चुअल मीटिंग्स होस्ट की जा सके, और कंपनी के फाउंडर मिनजू दुनिया भर से टैलेंट की तलाश में लगे थे। मिनजू ने एरिक को एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में हायर कर लिया, लेकिन एरिक के लिए काम पर बाकी लोगों के साथ एडजस्ट करना काफी मुश्किल था क्योंकि एरिक को सही से अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। लेकिन उन्होंने इसे कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इसी बीच वेबएक्स से पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने नेट मीटिंग्स लॉन्च कर दी जिसमें लोग वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते थे, और ये हर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक फ्री टूल के रूप में लोगों के लिए उपलब्ध था। नेट मीटिंग्स के साथ काफी परेशानियां थी, कॉल्स बीच में कट जाते थे तो कभी ऑडियो या वीडियो में लैग हो जाता था। इसी से सीख लेकर अब एरिक उसी बिल गेट्स से भिड़ने चले थे जिन्होंने उन्हें कभी अमेरिका आने के लिए इंस्पायर किया था। एरिक ने दिन रात वेबएक्स पर मेहनत की और धीरे धीरे उन्हें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इंजीनियर मैनेजर और फिर सीनियर इंजीनियर मैनेजर और डायरेक्टर की पोस्ट मिली। फिर एरिक के सीनियर डायरेक्टर रहते हुए साल 1999 में वेबएक्स को लॉन्च किया गया जिसमें 6 लोग एक साथ मीटिंग अटेंड कर सकते थे। साथ ही लैग से बचने के लिए वेबएक्स ने मीडिया टोन नाम से अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया था जो उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर से कई ज्यादा बेहतर बनाता था। वेबएक्स के मार्केट में आते ही हर तरफ उसकी तारीफ शुरू हो गई और एक ही साल में वेबएक्स का रेवेन्यू $25 लाख से बढ़कर $2.5 करोड़ तक पहुंच गया। साल 2001 में हुए 9/11 के प्लेन हाईजैक और ट्विन टावर्स पर हमले के बाद लोगों के काम के सिलसिले से अमेरिका आना कम हो गया जिससे वर्चुअल मीटिंग्स के लिए मार्केट बन रहा था। अब वेबएक्स ने अपने शेयर बेचने शुरू किए और देखते ही देखते उनके शेयर के रेट $14 से $58 तक पहुंच गए और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया था। वेबएक्स का पूरे मार्केट शेयर पर 65% का हिस्सा था जबकि माइक्रोसॉफ्ट का महज 19%। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन एरिक को अभी भी कंपनी में किनारे किया जा रहा था। फिर 2007 में सिस्को कंपनी ने वेबएक्स को $3.2 बिलियन में खरीद लिया। सिस्को का ध्यान जब एरिक पर गया तो उन्होंने एरिक को सिस्को के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का VP नियुक्त कर दिया। 2010 आते आते स्मार्टफोन्स का दौर आ चुका था और अब लोग वेबएक्स को अपने फोन पर भी इस्तेमाल करना चाहते थे, पर वेबएक्स कभी फोन के लिए नहीं बना था। जब इसे फोन के लिए बदला गया तो इसमें एक परेशानी ये थी कि वेबएक्स पहले ये डिटेक्ट करता था कि वो किस डिवाइस से ऑपरेट हो रहा है, आईफोन, PC या एंड्रॉइड, और जितने यूजर्स होते थे उतना ही वक्त इस काम में लगता था जिस वजह से वेबएक्स में लोगों ने लैग का सामना किया। एरिक ने सिस्को में बैठे अपने सीनियर से कई बार कहा कि वेबएक्स का सॉफ्टवेयर बेस 12 साल पुराना हो चुका है और उन्हें अब एक नया सॉफ्टवेयर शुरू से बनाने की जरूरत है, पर सिस्को का सारा ध्यान नई नई लॉन्च हुई फेसबुक जैसी कोई सर्विस बनाने पर था जिस वजह से किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और एक साल तक यूं ही कोशिश करने के बाद उन्होंने शेरी से बात की। शेरी अब उनकी पत्नी बन चुकी थी
और उनके साथ अमेरिका में ही रह रही थी। उन्होंने शेरी को अपना आइडिया सुनाया, साथ ही ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि उनकी तरह बाकी लोगों को भी इस कदर एक दूसरे से दूर रहना पड़े। शेरी उनकी बात समझ गई और उन्होंने एरिक के नौकरी छोड़ने के फैसले का समर्थन भी किया। एरिक को अपने नए प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की जरूरत थी, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर तैयार नहीं था। इसके बाद एरिक ने अपने दोस्तों से मदद मांगी और उनमें से एक दोस्त ने उन्हें डैन शिनेमन से मिलवाया। डैन एक एक्स सिस्को एम्प्लॉय थे जो अब इन्वेस्टर बन चुके थे। एरिक से मिलने जाते वक्त उन्होंने एरिक के बारे में पता करना शुरू किया और जब उन्हें एरिक के बारे में सिर्फ तारीफ ही सुनने को मिली तो उन्होंने एरिक से मिलते ही उन्हें एक चेक थमा दिया। बिना एरिक के पिच सुने या प्रेजेंटेशन देखे डैन के इस भरोसे ने एरिक को ताकत दी। साथ ही डैन ने कई और लोगों को भी एरिक की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया। $30,00,000 की फंडिंग के साथ एरिक ने 2011 में जूम की शुरुआत की, जिसमें HD वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ साथ 15 लोगों के लिए मीटिंग स्पेस था। साथ ही यूजर्स अपने फेसबुक और गूगल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते थे। 2012 में जूम को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में शामिल कर लिया था और अगले साल जूम ने पार्टिसिपेंट की लिमिट बढ़ाकर 100 कर दी थी। साथ ही मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग और मीटिंग रिकॉर्ड करने वाले फीचर्स भी ऐड कर दिए। इस सब के बावजूद भी जूम को इस्तेमाल करने वाले सिर्फ 20,000 एक्टिव यूजर्स थे और जूम को आगे बढ़ने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत थी। पुराने इन्वेस्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन बिल टाई नाम के एक इन्वेस्टर ने एरिक पर भरोसा दिखाया और खुद के साथ साथ याहू के को फाउंडर जेरी यांग को भी इन्वेस्टमेंट के लिए मना लिया। दूसरी बार एरिक अलग अलग जगहों से $1.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जुटाने में कामयाब हो गए और इस बार जूम ने बुलंदियां छुई। 2014 में उनके यूजर्स बढ़कर 1 मिलियन हो चुके थे। 2015 में उन्होंने 10 मिलियन लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था और 2016 आते आते ये नंबर बढ़कर 40 मिलियन यानी 4 करोड़ तक पहुंच गया था। 2017 में सिकोया नाम की कंपनी ने जूम में इंटरेस्ट दिखाते हुए $100 मिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट कर डाली और उसी साल जूम की कुल मार्केट कैप $1,000 करोड़ तक पहुंच गई। जहां 2017 में उनकी कमाई $6 करोड़ थी, वहीं 2018 में ये बढ़कर $15 करोड़ तक पहुंच गई थी। ये सभी कुछ जूम ने लॉकडाउन से पहले ही हासिल कर लिया था। यानी ये कहना गलत है कि जूम की सक्सेस के पीछे सिर्फ लॉकडाउन का ही हाथ है, पर हाँ ये बात तो सही है कि लॉकडाउन के बाद 2020 में जूम दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया। और ये सब शुरू हुआ एक लड़के से जिसे मालूम था कि अपनों से दूर होने का दर्द क्या होता है। आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे लॉकडाउन के बाद अब चीजें खुलनी शुरू हुई हैं, तो अब धीरे धीरे जूम का मार्केट सिकुड़ कर खत्म हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।